जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। युक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसका हल हम देखें। हम देखो कहाँ शुरू करेंगे, युक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, तो इसी यहाँ पे हम मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, यक्स है या ए है, जो भी मान लिया ए है। धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हमने, माना धनात्मक पूर्णांक ए है। अब कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक एम के लिए 3m, तो इसको हमें ध्यान से देखना होगा, यहाँ 3m या 3m प्लस 1। तो हम क्या करेंगे कि हम इस पूर्णांक को a को 3 से विभाजित करेंगे, लिखेंगे 3 से विभाजित करने पर। तो देखें a को 3 से विभाजित कर रहे हैं। अब हमने मान लिया कि बार q बार गया, कितनी बार गया q बार गया, और शेष कितना बचा, r बचा। तो युक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो बेटा भाज्य हमारे यहाँ पे क्या है, ए है, बराबर भाजक, भाजक क्या है 3, गुणे भागफल क्या आया क्यू, प्लस शेष कितना बचा आर। अब यहाँ पे देखो कि जब हम 3 का भाग देंगे तो जो हमारा शेष बचेगा अर्थात जो आर प्राप्त होगा वह 3 से क्या होगा, 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो आर का मान जो है 3 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। तो आर के संभव मान क्या प्राप्त होंगे, 0, 1, 2 प्राप्त होंगे। चाहे 0 प्राप्त होगा, चाहे 1 प्राप्त होगा, चाहे 2 प्राप्त होगा। अब केस 1 देखें, केस 1 यदि आर बराबर 0, आर को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ए बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणे q, यानी 3q प्लस आर का मान क्या हो गया, 0, आर का मान क्या हुआ, 0 हो गया, यानी ए बराबर आ गया हमारा 3q। अब यहाँ पर कह रहा है किसी धन पूर्णांक का वर्ग, अब हम इसका वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो यहाँ मिला a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q स्क्वायर। अब देखो बेटा हमें लाना क्या है, हमें लाना है 3m का रूप, तो इस 9 को हम चेंज करेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3q स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखो क्यू हमारा क्या, एक पूर्णांक है, तो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, बोलो यदि हम किसी पूर्णांक का वर्ग करें तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, फिर उसमें 3 का गुणा करें तो भी क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा, अर्थात 3q स्क्वायर, इस 3q स्क्वायर एक पूर्णांक मिलेगा, उसी पूर्णांक को हम क्या लिख देंगे, एम।
यह हो गया 3m। तो हमने क्या देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक को हमने जब a लिया तो उसका जब वर्ग किया तो किस रूप का आया, 3m के रूप का आया। अब बेटा केस दो देखें। केस नंबर दो, केस दो, यदि r बराबर 1, r कितना ले लिया, 1 लिया, तो तब क्या होगा, तो हमारा होगा a बराबर, बोलो r की जगह यहाँ पे 1 लिख दें, तो 3q प्लस 1। अब क्या करें, हमें पूर्णांक का वर्ग करना है, धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग। तो a का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करें, तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले पद का वर्ग करेंगे तो हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद 3q है, तो 2 गुणे 3q 6q गुणे 1, तो हो गया 6q प्लस 1 का वर्ग 1। अब हमको लाना है यहाँ पे 3m का लाना है या 3m प्लस 1 लाना है, तो इन दोनों में देखो बेटा 3 कामन हो जाएगा, क्या होगा, 3 कामन हो जाएगा, तो 3 कामन ले लें, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2q और प्लस क्या हो गया 1। अब इसको देखो क्यू हमारा पूर्णांक है, तो 2 का गुणा कर दोगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, क्यू पूर्णांक है उसका वर्ग करोगे पूर्णांक, उसमें 3 का गुणा करोगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, यानी यह भी पूर्णांक मिला, यह भी पूर्णांक मिला, दोनों को जोड़ो तो पूर्णांक मिलेगा, और उसी पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे, m, यह हुआ 3m प्लस 1। यहाँ m बराबर क्या है, m बराबर मिला 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, ठीक है बेटा। अब केस नंबर 3 देखें। केस 3, केस 3, यदि r बराबर 2, r की जगह हम क्या लिखते हैं 2, तो बताओ a बराबर 3 गुणे q, यानी 3q प्लस, अब हम r की जगह कितना ले रहे हैं 2। अब क्या करें, हमें पूर्णांक का वर्ग चाहिए, तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर यही a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम 3q का वर्ग करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q 6q गुणे 2 12q प्लस 2 का वर्ग, बोलो 2 का वर्ग क्या हुआ 4। हमें लाना है 3m या 3m प्लस 1, तो इस 4 को देखेंगे, 4 हमारा है 3 प्लस 1, तो इस 4 को लिख देंगे हम 3 प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब बेटा इसमें देखो कामन क्या मिलेगा, बोलो 9 है 12 है 3 है कामन, इन तीनों में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। कैसे निकालते हो कामन, कामन निकालने के लिए 9, 12 और 3 का क्या लोगे, मार्शल ले लोगे, 9, 12, 3 का मार्शल लेते हैं, नौ बारह तीन ऐसी संख्या से काटें कि तीनों कट जाए, तो 3 से देखो 3 तरीका 9,
तीन चौके 12, तीन इकाई 3, कॉमन क्या मिल गया 3। कॉमन पर ब्रैकेट लगा दें, इस कॉमन का भाग देंगे तो 9 में 3 का भाग दिया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 12 में 3 का भाग दिया 4 और बचा क्यू प्लस 3 में 3 का भाग दिया 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, अब जरा देखिए क्यू पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, उसमें 3 से गुणा कर दे तो पूर्णांक ही आएगा। यहाँ क्यू पूर्णांक है, 4 का गुणा करोगे पूर्णांक आएगा, यहाँ 1 भी पूर्णांक है तो पूर्णांक 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 तीनों पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। ठीक, तो इस पूर्णांक जो आएगा, इस पूर्णांक को हमने मान लिया एम, ये हुआ 3m प्लस 1। यहाँ m बराबर क्या मिला, यहाँ m बराबर मिला 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक बेटा, फिर अगला सवाल देखें, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का रहा है, यूक्लिड व्यान प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ क्या कर रहा है, घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बिल्कुल उसी तरह से है, यहाँ पे हमारा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो यहाँ हम मानेंगे हल, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। अब इसको दिखाना कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, तो यहाँ पर भी हम 3 से इसको विभाजित करेंगे, किससे विभाजित करेंगे, 3 से, 3 से विभाजित करने पर तो m को हम 3 से विभाजित करें, इससे बात करें 3 से, हमने मान लिया क्यूब आ गया और शेष कितना बचा r, तो बताओ क्या हो जाएगा, a बराबर, बोलो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 3q प्लस r। अब बताओ फिर r का जो संभव मान होगा वह क्या होगा, 3 से छोटा होगा, तो r के संभव मान क्या प्राप्त होंगे बताओ, 0, 1, 2 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। भाई 2 से बड़ा तो होगा नहीं, 2 से बड़ा नहीं ना होगा। अच्छा, अब फिर यहाँ पर देखें केस 1, जब r बराबर 0, r को हम क्या ले लें, 0 ले लें, तो r का मान जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो बताओ, तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 3q
प्लस जीरो, यानी a बराबर क्या मिला, 3q। ठीक, अब क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या करना है हमको, घन, धनात्मक पूर्णांक हमने a लिया है तो a का घन करना है, तो यानी दोनों पक्षों का यहाँ पे क्या कर दें, घन कर दें, दोनों पक्षों का घन करने पर तो क्या होगा, a का क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, तो a क्यूब बराबर, अब बताओ यहाँ पे 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 27 क्यूब पावर 3। इसको लाना किस रूप का है, 9m या 9m+1 या 9m+8 या 9 लाना है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3³। अब जरा देखो क्यू हमारा पूर्णांक है, तो क्यू का घन किसी पूर्णांक का घन करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, उसमें 3 से गुणा करें तो भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, तो इसका मतलब ये 3q³ जो है हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और उसी पूर्णांक को हम किससे लिख देंगे, m से, यह हो गया 9m। तो यहाँ m क्या है, m बराबर है 3q³। ठीक है बेटा, किस वन देख लिया, तो इस तरह से देखा कि हमारा जो किसी धन पूर्णांक का जो हमने घन किया तो किस रूप का आ गया, 9m के रूप का हो गया। केस दो देखें, केस दो, जब r बराबर 1, तो r बराबर 1 ले लें तो a बराबर क्या मिलेगा, 3q+1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पूर्णांक का हमें घन करना है तो दोनों पक्षों का घन करें, तो 1³ = 3³+1 का होल क्यूब। अब बताओ यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है बेटा, यानी क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम ये पहले पद का क्यूब करेंगे, तो पहले का क्यूब यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, 3q का, तो 3 × 9 = 27 q³³ प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3ab तो 3 × 3q प्लस 3 × 3q × 1 तो कितना हो जाएगा, 9q (3q+1) इस ब्रैकेट को खोल दें तो हो गया 27 क्यूब प्लस, इस वन को लास्ट में लिख देंगे, 9 × 3 = 27 q² + 9q का गुणा 1 में करेंगे, 9q+1। अब बेटा इसमें फिर देखो हमें लाना क्या है, हमें लाना है 9m, तो इन तीनों पदों में हम 9 कामन ले सकते हैं, क्या ले लें, 9q कामन ले लें, 9q, तो क्या मिलेगा बोलो, देखो 27 में 9 से भाग देंगे तो 3 बार गया, q³ में q का भाग देंगे तो q² हो गया, प्लस बोलो 27 में 9 का भाग 3, q² में q का भाग q, और प्लस 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये 1 क्या है, पूर्णांक है, 3q भी पूर्णांक है, q² पूर्णांक है, तो 3q² भी पूर्णांक हुआ, 3q² भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, 3q² 3q1 पूर्णांक है, तो इनका योग भी पूर्णांक हुआ। अब उस पूर्णांक में हम यदि 9 उस पूर्णांक में यदि हम क्यू से गुणा करें, क्या है हमारा क्यू, मतलब क्यू पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, इसका मतलब कि इसकी जगह
क्यू इंटू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस थ्री क्यू प्लस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक पूर्णांक लिख सकते हैं। उस पूर्णांक को हम किससे लिखेंगे, एम से लिखेंगे। ये हो गया 9m+1। 9 इसको हमने m लिख दिया, प्लस 1, तो यहाँ m बराबर क्या मिला, m बराबर मिला q इंटू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस थ्री क्यू प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे केस नंबर 3। 3 संभव मान थे केस नंबर 3। जब r बराबर 2, r बराबर क्या हो 2, तो a बराबर क्या होगा बोलो, 3q प्लस r की जगह क्या लिख दोगे 2। अब हमें क्या करना है, पूर्णांक का घन क्या करना है, घन। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करें, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा, a का क्यू बराबर 3q प्लस 2 का क्यू, फिर यहीं a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इक्वल्स में a प्लस बी। तो हम यहाँ 3q का क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27 q^3 प्लस 2 का घन करेंगे तो 8 प्लस 3ab, तो 3 × 1 = 3q × 2 तो 3 × 3q × 2 तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 18q ब्रैकेट में 3q + 2। अब जरा देखें, हम इस एक को उधर भेज दें लास्ट में, तो हो गया 27q³ + 18q ब्रैकेट में 3q + 2 + 8। अब बेटा इसमें हम कॉमन देखें तो 27 और 18 का मानसा लो, 27 18 बोलो तो 9 से कट जाएगा, 9 × 27 9 × 18 कॉमन क्या मिलेगा, 9 जो संख्या मिल गई। अब देखो यहाँ पे क्यू का 3 घात है, यहाँ क्यू का 1 घात, तो क्यू भी कॉमन हुआ, कॉमन का भाग लगा दें। फिर इस 27 में 9 का भाग, तो 9 × 27 = 3, क्यू का 3 घात था, 1 घात यहाँ निकल गया, तो क्यू स्क्वायर प्लस 18 में 9 से भाग दें तो 2 क्यू कट गया, यहाँ क्या बचेगा 3q + 2। अब यहाँ छोटा लगा इसलिए यहाँ पे क्या कर दें, मझला कोष्टक लगा दें, अब प्लस 8। अब देखो बेटा यहीं पर हमें ध्यान देना है, इसको जरा समझना है। देखो 3q माने क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक में 3 से गुणा किया गया पूर्णांक आया, प्लस 2 फिर पूर्णांक आ गया, 2 का फिर गुणा करना है तो पूर्णांक आ गया, ये पूरा पूर्णांक आ गया, और ये क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक है, उसमें 3 से गुणा करोगे तो पूर्णांक ही आएगा, माने यह भी पूर्णांक और यह भी पूर्णांक है ना, तो दोनों को जोड़ोगे तो पूर्णांक ही आएगा, और उसमें हमें एक पूर्णांक का फिर गुणा करना है तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, बोलो आएगा कि नहीं, पूर्णांक ही आया, यहाँ क्यों भी पूर्णांक है तो पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, और उस पूर्णांक को, इस पूरे पूर्णांक को हम लिख देंगे m, तो ये हो गया 9m + 8। यहाँ m बराबर क्या मिला, m बराबर है हमारा q ब्रैकेट में 3q² + 2 ब्रैकेट में 3q + 2।
यहाँ मंजरा लगा दें हम। तो इस तरह से देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार हम लिखेंगे, इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूट का होता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।